आज हम पेशी वाइज बनाना सीख रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का। इसके पहले हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस के पेशी वाइज किस प्रकार बनाएंगे इसको देखा था। आज जो पेशी वाइज बनाएंगे वो बनाएंगे हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का पेशी वाइज बनाते समय जो हेल्पिंग वर्ब है वो चेंज हो जाएगी, तो आपको हेल्पिंग वर्ब की जगह तीन हेल्पिंग वर्ब रखना पड़ेगा, ईच, एम, आर प्लस बीइंग। स्ट्रक्चर वही रहेगा जो इसके पहले हमने सीखा था कि पहले ऑब्जेक्ट रखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म अदर वर्ड बाय और सब्जेक्ट। लेकिन जब हेल्पिंग वर्ब रखूंगे तो तीन हेल्पिंग वर्ब में से कोई एक और हर किसी के साथ बीइंग जुड़ेगा, जैसे इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का पेशी वाइज हम बनाना सीखेंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल लेंगे हम, ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग। सेंटेंस है कि ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग, वह एक गीत गा रहा है। हमको इसका पेशी वाइज बनाना है कि एक गीत गाया जा रहा है उसके द्वारा। तो स्ट्रक्चर के अनुसार सबसे पहले आप सेंटेंस को बांट लेंगे, ही सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, सिंगिंग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, अ सॉन्ग ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसका बनाना है पेशी वाइज, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर के अनुसार ऑब्जेक्ट रखना है तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा अ सॉन्ग। अब हेल्पिंग वर्ब रखना है तो हेल्पिंग वर्ब इजे मार में से कोई एक और उसके साथ बीइंग, तो अ सॉन्ग एक वचन करता है तो उसके साथ में इज आ जाएगा, साथ में लगाएंगे बीइंग, फिर उसके बाद रखना है वर्ब का थर्ड फॉर्म सिंग, सिंग, संग, तो आ जाएगा संग। अदर वर्ड है नहीं तो डायरेक्ट रख देंगे हम बाय, और सब्जेक्ट ही का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हिम। सेंटेंस बन गया, और सॉन्ग इज बीइंग सॉन्ग बाय हिम। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे हम कि किस प्रकार हम पेसिव वाइज बनाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का। सी इज कुकिंग फूड, वह खाना पका रही है। एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है, हमको बनाना है खाना पकाया जा रहा है उसके द्वारा। तो वही सबसे पहले सेंटेंस को आप बांट दे, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा स्ट्रक्चर के अनुसार फूड, पहला काम हो गया। दूसरा काम हेल्पिंग वर्ब रखना है तो फूड एक वचन कर्ता के अंतर्गत गिना जाता है, तो उसके अनुसार आ जाएगा इज, साथ में रखना है हमको बीइंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म कुक, कुक्ड, कुक्ड, तो कुक्ड आ जाएगा कुक्ड। उसके बाद में अदर वर्ड नहीं है तो रख देंगे हम बाय, और सी का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हर। पेशी वाइज बन गया फूड इज बीइंग कुक्ड बाय हर, खाना पकाया जाता है उसके द्वारा। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, वी आर प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल रहे हैं। एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है, इसका हमको बनाना है पेशी वॉइस, क्रिकेट खेला जा रहा है हमारे द्वारा। तो सबसे पहले वही सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, क्रिकेट ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर के अनुसार ऑब्जेक्ट आ जाएगा पहले क्रिकेट, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब रखना है तो इज एम आर में से आ जाएगा इज, फिर उसके बाद में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, जो दिया हुआ है वो किसमें बदल जाएगा बीइंग में, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लेड, उसके बाद अदर वर्ड नहीं है तो रख देंगे हम बाय, और वी का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा अस। सेंटेंस बन गया क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय अस। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सी इज सेलिंग बनानास, सी इज सेलिंग बनानास, वह केले बेच रही है। तो सी सब्जेक्ट इज हेल्पिंग वर्ब, सेलिंग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और बनानास हो गया ऑब्जेक्ट। तो स्ट्रक्चर के अनुसार पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा बनानास, अब हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से कोई एक, अभी तक जितने भी सेंटेंस देखे सब में इज आ रहा था, लेकिन यहां पे बनानास है
बहुवचन करता है तो उसके लिए आएगा आर, साथ में आ जाएगा बीइंग, हेल्पिंग वर्ब होगी, इसके बाद स्ट्रक्चर के अनुसार रखना पड़ेगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो आ जाएगा सोल्ड, अदर वर्ड है नहीं रख देंगे बाय, और सी का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हर। तो सेंटेंस बन गया बनानास आर बीइंग सोल्ड बाय हर। कुछ एग्जांपल्स है जो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे एक्टिव वर्ब से पैसिव वर्ब में बदल के बताएंगे, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस रहेगा आपको उसको एक्टिव वर्ब से पैसिव वर्ब में बदलना है। जैसे राम इज रीडिंग इंग्लिश, राम अंग्रेजी पढ़ रहा है। दूसरा सेंटेंस सी इज प्लेइंग चेस, वी आर ईटिंग मैंगोस। दे आर सेलिंग कार्स। आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। इतने सेंटेंस है, इन सेंटेंस को आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलना है। पूरे के पूरे जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के है। फॉर्मूले के अनुसार आपको हेल्पिंग वर्ब इजीमार में से कोई एक और उसके साथ बीइंग रखना पड़ेगा, बाकी फार्मूला जो जैसा है उस आधार पर आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बनाना।